हम लोग प्लस टू का बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इसमें 3.4 हम लोग को पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में कहते हैं आर्तव चक्र या मासिक धर्म या माहवारी। ये जो है क्या है, ये किस तरह का साइकिल है, हम लोग इसको पढ़ेंगे और ये कैसे बॉडी में किस किस तरह से घटना इसमें क्या क्या होता है उसको देखते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इस साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, दो तरह के जीव होते हैं, एक प्राइमेट होते हैं, एक नॉन प्राइमेट होते हैं। तो प्राइमेट जो एनिमल्स होते हैं उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जैसे कि ह्यूमन है, मंकी है, एप है, ये सब में ये होता है। इट इज़ रिप्रोडक्टिव फेज, ये जो है एक ऐसा फेज है, एक ऐसा अवस्था है जिसमें रिप्रोडक्शन का कार्य होता है। और ये कब से कब तक होता है, बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज, मेनार्की और मेनोपॉज के बीच में ये होता है। तो मेनार्की क्या है, तो ये कहा जाता है कि ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, जब पहली बार मेंस होता है एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय पर जब पहली बार मेंस होता है तो उसको मेनार्की कहते हैं। और जब लास्ट बार होता है, लास्ट होने के बाद उसके बाद जब मेंस होना रुक जाता है तो वैसे अवस्था को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज और मेनार्की के बीच का जो अवस्था है उसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब है वो जनन वर्ष कहलाता है, जनन अवस्था कहलाता है, उसमें जनन का कार्य होता है और उसी में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलता है चक्र। तो ये जो जनरली होता है 28 से 29 डेज का होता है। और जब मेनोपॉज होता है तो सीज्ड हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, वहाँ पर फिर मेंस नहीं होता है। तो ये जो 28 से 29 दिन का है, ये इसमें क्या होता है, तो साइकिल ऑफ इवेंट्स, इसमें कई तरह की घटनाएं होती है, उसका एक चक्र है। स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, एक मेंस से स्टार्ट करके टिल द नेक्स्ट वन, अगले मेंस होने के बीच का एक चक्र है ये। और ओवुलेशन, इसमें जो ओवुलेशन क्या है, एग का निकलना, जब वो टर्सरी जो था, टर्सरी फॉलिकल, उससे जाकर ग्रेफियन फॉलिकल बना था, ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओवा का निकलना होता है तो उसको कहते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन में जो है वन ओवम रिलीज्ड होता है, एक ओवा निकलता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईच मेंस। तो ये जो मेंस का समय है 28 दिन का, इस 28 दिन में कब निकलता है वो, तो निकलने का जो क्रिया है वो स्टार्ट यहाँ से अगर मानते हैं तो वो मिड पॉइंट जब होता है 14 दिन का, तो 14वां दिन वो ओवुलेशन होता है। अगर इसको इस तरह से लाइन में देखें, ये देखें वन डे और ये देखें 28 डेज, तो ये जो बीच वाला स्थिति है, इस अवस्था में ओवुलेशन होता है, ये ओवुलेशन जो है यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब है, अच्छा ये दिन की गिनती कब से कब करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो जो गिनती होता है वो फर्स्ट दिन कौन सा होता है, जिस दिन से मेंस चालू होता है। तो वो इसमें कई फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ओवुलेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज है, ये फेज क्या क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है, व्हेन मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर्स, जिस समय फ्लो शुरू होता है, उस समय जिस समय ब्लीडिंग होता है वो शुरुआत होता है फर्स्ट दिन का, और एंड लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, इसका जो एवरेज समय है किसी में 3 to 5 दिन तक का डेट इसमें रहता है जिसमें ब्लीडिंग होता है। तो वो फर्स्ट दिन को ही पहला दिन माना जाता है, वो जिस जब तक 3 to 5 दिन तक चलता है मेंस, उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। रिजल्ट ये क्यों होता है, ये किसका परिणाम है, तो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो दीवार था, इसका इसमें 3 लेयर था, ठीक है, एक कौन कौन था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो पेरी, मायो और इंट्रो जो था, ये अंदर वाला लाइनिंग जो है ये टूटता है, ये टूट करके बाहर निकलता है। तो ये जो निकलने का क्रिया है दोनों तरफ से, तो इसको कहते हैं, इसके कारण ये मेंस होता है। तो ब्लीडिंग जो होता है वो कैसे होता है, तो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है कौन, इंडोमेट्रियल लाइनिंग, इंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है, अंदर वाला जो लाइनिंग है, ये टूट टूट करके बाहर निकलता है ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का।
एंड और क्या होता है इट्स ब्लड वेसल्स, यहाँ पर जो खून की नली होती है वो भी टूट टूट करके निकलता है, इसलिए ब्लीडिंग होता है। फॉर्म लिक्विड, आज ये सब मिलकर के एक तरह का लिक्विड बनाता है दैट कम आउट थ्रू वेजाइना, जो वेजाइना से बाहर निकलता है। इट ओनली अकर्स, ये कब होगा, ये केवल उसी समय होगा, इट ओनली अकर्स जब इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ओवा जो ओवरी से निकला और वह फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तभी ये ओवा बाहर टूट करके निकलता है, इंडोमेट्रियम टूट के निकलता है। ये जो ओवरी का था, मान लो ऐसे यहाँ पर एक तरफ का बना रहे हैं और यहाँ पर जो ओवरी था यहाँ से जो चला, तो ये जो यहाँ पर आके रुका हुआ है यहाँ पर, तो ये जो ओवुलेशन के बाद रुका, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तभी ये आगे बढ़ करके यहाँ टूट टूट करके निकलेगा। ये सर्विक्स हो गया, यहाँ वजाइना हो गया, यहाँ से निकलेगा तभी जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो फिर ये ब्लीडिंग नहीं होगा, मतलब क्या होगा, मेंस रुक जाएगा। तो यही कहा रहा है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना, अभाव होना, इसका क्या पहचान है, इज इंडिकेटिव ऑफ, ये पहचान कराता है कि प्रेगनेंसी है। ये किसका पहचान हो गया कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो ये प्रेगनेंसी का पहचान है। कभी कभी ये स्ट्रेस के कारण भी होता है, तनाव के कारण भी, टेंशन के कारण भी, और पुअर हेल्थ, अगर शरीर तबीयत ख़राब है तो उसके कारण भी कभी कभी मेंस रुक जाता है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि बॉडी में अगर उतना ब्लड नहीं है तो उसके कारण भी कभी कभी ये समस्या होती है, ये टूट करके बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये जो तीन से चार पाँच दिन का है ये मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। अगला फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज है, यहाँ से अगर गिनती करें तो ये तीन से चार दिन तक वो मेंस का होना होता है। उसके बाद अगला होता है स्टेप फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिक्यूल बनता है, क्या क्या, तो हम लोग देखें कि ओवरी में जो होता है, ये जो ओवरी है यहाँ पे फॉलिकल्स बाय बर्थ रहता है, पहले से फिक्स रहता है। एट प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी पर 60 से 80 हज़ार का संख्या में ये ऊगोनिया रहता है ना, और ऊगोनिया के ऊपर में एक कवर रहता था, उसको क्या कहते थे, फॉलिकुल। ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल पहला फॉलिकल जो रहता है एक लेयर का, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, और उस पर दूसरा लेयर बनता है तो सेकेंडरी फॉलिकल्स, तीसरा लेयर बनेगा तो टर्शरी फॉलिकल्स बोलते थे ना। और टर्शरी फॉलिकल्स में क्या होता था, एक एंट्रम लिक्विड बनता था, और उसके बाद जो है वो मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल्स बनता था। तो यही कहा जा रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो है इन द ओवरी, ओवरी में जो है वो ग्रो बढ़ता है। जब मेंस रुका उसके बाद फॉलिकुलर फेज चालू हो जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पर वो बढ़ना शुरू हो गया होता है। तो फॉलिकल जो है ओवरी में, वो एक फॉलिकल से, वो प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं जो जन्म से होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें ग्रो करता है, और ग्रो करके वो प्राइमरी से बनेगा सेकेंडरी, और सेकेंडरी से बनेगा टर्शरी, और टर्शरी के बाद क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक विकास हुआ, ये प्राइमरी से पी से जी तक, इस डेवलपमेंट का क्रिया जो है वो कब होगा, ये 5वां दिन से 14वां दिन के बीच में होगा। तो ये जो फॉलिकुलर फेज है इसमें फॉलिकल का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यही कहा जा रहा है प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी, ओवरी में जो है ग्रो करता है, एंड टू बिकम, क्या बनने के लिए, ए फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो है पूरी तरह से मैच्योर होने के में ये मदद करता है, ये प्रोसेस होता है। इसके साथ ही ओवरी में यह क्रिया हो रहा है, इसके साथ दूसरा एक और प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम पार्ट है वो क्या होगा, ये क्या है, ये बेड है बच्चे के लिए, एम्ब्रायो के लिए ये बेड है। तो बेड का उस जिस समय यहाँ निर्माण फॉलिकल का हो रहा है, उसी समय यहाँ पर बेड का भी निर्माण होता है। बेड निर्माण मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मसल्स का ज़्यादा ग्रो होता है, एक यहाँ गद्दे नुमा कुशन नुमा स्ट्रक्चर बनता है।
तो इंडोमेट्रियम जो है ऑफ यूट्रस रीजनरेट करता है, अपने कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है थ्रू प्रोलीफ्रेशन, उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोलीफ्रेशन। उससे ये एक सेल से कई सेल में बनता है, एक लेयर से कई सेल में वो अपनी मोटाई को बढ़ाता है, अपना ये लेवल को थोड़ा हाई करता है। द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, ये कैसे होगा, तो ये जो है थैलमस से जो निकला वो हार्मोन वो काम करता है पिट्यूटरी पर आकर के, तो यहाँ से क्या निकलता है गोनेडोट्रोपिन। दो तरह के यहाँ हार्मोन निकलते हैं, एक LH एक FSH। ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों क्या करता है इंक्रीज ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में जो है LH और FSH का मात्रा बढ़ जाता है, इसको डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ से मात्रा ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचता है। 14वां दिन तक जो है LH और FSH का मात्रा बहुत बढ़ जाता है, इसका जो है फ्लो बढ़ता है। तो ये फ्लो बढ़ने के साथ ही वो क्या क्या करेगा, इसका फॉलिकल का ग्रो कराएगा और यहाँ पर बेड का निर्माण होगा। एंड स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट क्या करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ये जो FSH है ये इसका काम ही है डेवलपमेंट को बढ़ाना, फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा इसका काम ये करता है। एंड सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, और जैसे जैसे ये बढ़ता है, ये जो फॉलिकल्स बढ़ता है इससे भी अलग हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये किससे निकला, इस फॉलिकल से निकला, ये भी ग्लैंड्स का काम करने लगता है। तो इससे जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकला वो भी किसके कारण निकला, इसी LH और FSH के कारण। अब LH स्पेशल काम क्या करता है, लास्ट में जब ये बढ़ जाता है तो यहाँ तक आते आते जब ये ग्रेफियन स्टेज में चल जाता है तो LH का संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है 14वां दिन, और जब LH सर्ज, उसको कहते हैं LH सर्ज जो अवस्था है वो हाईएस्ट पॉइंट है, पीक पॉइंट है। पीक पॉइंट पर क्या होगा कि LH हार्मोन जो है इसका संख्या, इसका लेवल जो है ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, मैक्सिमम लेवल एट मिड साइकिल। ये जो 14वां दिन है बीच में मिड साइकिल में इसका मैक्सिमम लेवल हो जाएगा, जैसे ये मैक्सिमम लेवल पर पहुँचेगा तो इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है इसको रप्चर कर देगा वो, मतलब इसको फोड़ देगा, इसको यहाँ पर फटने को मजबूर कर देगा। जैसे फटेगा तो ये बाहर में ओभा निकल जाएगा, तो ओभा जिसके अंदर था डेवलप हुआ वो बाहर निकल जाएगा। अब ये तो हो गया, बाहर निकल गया ओभा, तो फॉलिकुलर फेज ख़त्म हो गया। इसके बाद अगला फेज है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में क्या हुआ, मुख्य रूप से इसी जगह यहाँ तक जब पहुँचा तो वो फॉलिकुलर स्टेज था, यहाँ तक ग्रो किया, लेकिन जैसे निकला तो उसको कहते हैं ओवुलेटरी फेज, मतलब ओवुलेशन अंडोत्सर्ग। और ये था पुटकीय प्रावस्था, तो अंडोत्सर्ग में अंडा निकलेगा, रिलीज ऑफ ओवम कॉल्ड ओवुलेशन, सिर्फ निकलने की क्रिया को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ये एक दिन का प्रोसेस है। और जैसे ये निकल गया तो अंडा तो बाहर निकल गया, तो ये यहाँ से निकल करके इसको ये फिमरी के द्वारा ये इधर से कैच किया जाएगा, ये जो ओविडक्ट है फेलोपियन ट्यूब इसमें एंट्री करेगा, ये एम्पुला तक आके रुकेगा, और ये जो अंदर में इसका जो खोल था अंडे का जो फॉलिकुल था वो क्या हो जाएगा, वो जो है रिमेन बचा हुआ सिकुड़ करके एक ग्लैंड का काम करने लगेगा, और वो बन जाएगा कॉर्पस लुटियम। वो क्या बनेगा, कॉर्पस लुटियम कहलाता है, जब ये रेस्ट बसता है तो फिर तो उसी को कहा जा रहा है लुटियल फेज। लुटियल फेज में लुटियम बनता है, कौन सा लुटियम, कॉर्पस लुटियम। वो क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ शेष भाग है ओभा के निकलने के बाद, ट्रांसफॉर्म्ड एज कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम के रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। कॉर्पस लुटियम क्या है, ये क्या करता है, सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक नया हार्मोन ये फिर बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक इसमें ओभा था तब तक हार्मोन निकल रहा था एस्ट्रोजन हार्मोन, और जैसे ये इससे निकल गया तो खाली जो बच गया, तो खाली बनने के बाद ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालने लगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से क्या होगा, जैसे यहाँ तक बढ़ रहा था निकल रहा था एस्ट्रोजन हार्मोन, और जैसे यहाँ
14वां दिन पार किया, ओवुलेशन हो गया, तो एस्ट्रोजन हार्मोन घट जाएगा, LH का FSH का मात्रा घट जाएगा, लेकिन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बढ़ जाएगा। ये कौन बढ़ाएगा? ये लुटियम कॉर्पस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ज़्यादा संख्या में बढ़ाने लगेगा। तो ये लुटियल फेज में होता है, 14 दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ज़्यादा सेक्रेशन होता है। और ये क्या किससे जरूरी है? इसेंशियल फॉर इंडोमेट्रियम डेवलपमेंट। ये जो इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट है, बच्चे का यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा, उसके लिए ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़रूरी होता है। इंडोमेट्रियम क्या है? ये जो इंडोमेट्रियम था, ये नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। बच्चे जब यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ये मूव करके जब आएगा तो इसी कहीं ना कहीं गद्दे में वो इसमें इम्बेड होगा, इसमें अपना प्लांट करेगा, ताकि उसका भरण पोषण माँ के ब्लड से हो सके। तो इंडोमेट्रियम जो है नेसेसरी है फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसका? ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, ओवम जो फर्टिलाइज होगा उसके लिए, एंड फॉर द प्रेगनेंसी, और फिर वो गर्भ रहने के लिए वो जरूरी है। प्रेगनेंसी क्या है, किस अवस्था कहेंगे? तो प्रेगनेंसी है ऑल इवेंट्स ऑफ मेंसुरल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी जब है, एम्ब्रायो उसके पेट में रह गया और सारा मेंस का जो क्रिया है, जितने मेंस का घटना था, ये सब बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, नो मेंसुरेशन, फिर कोई मेंस नहीं होगा। ये कब हुआ? जब फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा? इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन अब्सेंट हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो कॉर्पस लुटियम, ये जो कॉर्पस लुटियम यहाँ है बचा हुआ, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना रहा था, ये खुद हार्मोन, ये जो कॉर्पस लुटियम है डिजेनरेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट्स, ख़त्म हो जाएगा, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम जो यहाँ दीवार बना था, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, टूटने लगेगा, टूट करके फिर बाहर निकल जाएगा और मेंस हो जाएगा। मतलब इंडोमेट्रियम को कौन टिका कर रखा था? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन बना रहा था? तो ग्रेफियन फॉलिकल्स का बचा हुआ भाग, कॉर्पस लुटियम। अब कॉर्पस लुटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा, अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा, ये लो लेवल पर आ गया, तब फिर ये भी नहीं रहेगा, ये इंडोमेट्रियम में टूट टूट करके निकल जाएगा। इस तरह से ये सारा क्रिया होता है एक साइकिल के रूप में। जब नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये मेंस के रूप में फिर से टूट करके निकल जाएगा, और जैसे निकलना शुरू हुआ उस दिन से फिर वन डे शुरू हो गया, 1, 2, 3, 4 दिन में ख़त्म, फिर 5 से फिर ग्रेफ का ये फॉलिकल्स बनना शुरू होगा, फॉलिकल स्टेप। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कई अवस्था में ये गुजरता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। ये साइक्लिक रूप से हो रहा है मेंस 28 दिन पर, तो ये पहचान है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई औरत, लड़की जो है या फीमेल जो है, वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज में है, उसका स्वास्थ्य जो है वो नॉर्मल है। बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज, मेनोपॉज और मेनार्की के बीच में ये चलते रहता है। मेनोपॉज अप्रॉक्स जो है 50 ईयर्स तक चलता है, 40 से 50 तक, और ये कैसे एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ओवरी में जो है उगोनिया की संख्या वो निश्चित है, जिस दिन ये शॉर्ट कर जाएगा उस दिन मेंस का आना रुक जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक साइक्लिक फेज है। कृपया लाल बटन दबाकर मेरे YouTube चैनल RVS क्लासेस बक्सर को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।